Namaste friends, मैं अशोके राय, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो है फाइव रीजन जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी है. फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. पहले वो फैक्ट्स को देखिए. एक सर्वे में देखा जाता है क्या 45% पीपल फील इट इज बेटर टू स्पेंड मनी ऑन एंजॉइंग लाइफ देन सेविंग रिटायरमेंट. फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट सोचिए. 53% पीपल सेव फॉर शॉर्ट टर्म रादर देन लॉन्ग टर्म. फ्रेंड्स, 56% लिव ऑन डे टू डे बेसिस फाइनेंशियली सेटिंग द स्टेज फॉर प्रॉब्लम्स लेटर. आज मैक्सिमम पीपल बिजी हो गया उनका प्रेजेंट को मैनेज करने के लिए. किसी को टाइम ही नहीं है फ्यूचर फाइनेंशियल मैटर सोचने के लिए. अगर कोई आदमी सोचते भी है तो उनका करेक्ट अवेयरनेस नहीं है ना से. आइदर वो मैक्सिमम केसेस एक्शन को डिलेट करते हैं और कोई प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट में फंस जाते हैं. आज तो ज़माना कुछ बदल गया है. आज कंज्यूमर इकोनॉमी में एवरी पर्सन का वांट्स और डिज़ायर बहुत ज़्यादा है. लेकिन फिर भी मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा क्या, सिचुएशन तो बदल गया है लेकिन मैक्सिमम पर्सन का सोच अभी तक नहीं चेंज हुआ. वो अभी तक डिपेंडेंट है प्रोडक्ट के ऊपर, प्लानिंग से नहीं. फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट वो आपको फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच सकता है. फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्लानिंग ही आज वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल गोल फुलफिलमेंट के लिए एसेंशियल है. नाउ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आई एम सेइंग सो. आज मैं फाइव रीजन आप लोगों को बताएंगे जिससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा व्हाई आई एम सेइंग प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्ट. इन्फ्लेशन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इन टूडेज सिनेरियो इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर वेल्थ क्रिएशन में. आपका इनकम तो इंक्रीज हो रहा है, जितना टाइम जा रहा है इनकम इंक्रीज हो रहा है, बट इन्फ्लेशन अगर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा. एक रिसर्च में देखा जाता है क्या, सिंस 1978 कॉलेज ट्यूशन फी इंक्रीज्ड बाई 1120%. मेडिकल केयर इंक्रीज्ड बाई 601%. हाउसिंग कॉस्ट इंक्रीज बाई 380%. ऑन द अदर हैंड इनकम इंक्रीमेंट हुआ ऑन एन एवरेज टिपिकल वर्कर लोग जो है जस्ट रोज ओनली 10%. मिनिमम वेज वर्कर का इनकम फॉल हुआ 5.5%. एवरेज सीईओ जो है उनका इनकम इंक्रीज हुआ 937%, बट 937% ओनली. सोचिए एक बार, ये जो इन्फ्लेशन और इनकम, ये दोनों में ही तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि आपका इनकम किसी दूसरे का कंट्रोल में है मैक्सिमम केसेस. इन्फ्लेशन का तो कुछ भी कंट्रोल नहीं है. तो ऑन द अदर हैंड और एक चीज़ देखिए, आप जो इनकम कर रहे हैं उसका मनी वैल्यू भी ये इन्फ्लेशन के रीज़न में वो डिक्रीज हो रहा है. वो कैसे, 1979 में 100 रुपीज़ का वैल्यू वो 100 रुपीज़ ही था, बट मार्च 2018 में उसका वैल्यू हो गया 4.99 पैसा, ऑलमोस्ट 5 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ का वैल्यू इन्फ्लेशन का कारण 5 रुपीज़ हो गया. फैमिली एक्सपेंडिचर के एंगल में अगर देखे तो आज अगर किसी का फैमिली एक्सपेंडिचर
30,000 सपोज से फॉर एग्जांपल है और मानिए इन्फ्लेशन 9% होगा तो आफ्टर 5 ईयर्स वो एक्सपेंडिचर होगा 46,158। वो 30,000 एक्सपेंडिचर इंक्रीज होके इन्फ्लेशन ड्यू टू इन्फ्लेशन इंक्रीज होके 46,158 होगा। आफ्टर 10 ईयर्स अगर वो आज का जो 30,000 जो मंथली एक्सपेंडिचर करके जो लाइफस्टाइल जी रहा है वही जिएंगे वही लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो 9% इन्फ्लेशन से वो होगा 71,020 आज जो 30,000 है आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स आज का लाइफस्टाइल सेम ही रहेंगे तो वो 30,000 एक्सपेंडिचर होगा 1,09,274। देखिए इन्फ्लेशन का ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग उसके लिए तो कुछ प्लान बना सकते हैं ना, तो इसीलिए प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके लिए कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपको प्लान बना देंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। अब आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। प्लीज डोंट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आज अगर कोई फैमिली में मेन इनकम अर्नर जो है अगर उनका कुछ हो जाएगा तो वही फैमिली कैसे फ्यूचर में सस्टेन करेंगे, वो फैमिली का बच्चा बच्चे लोगों का एडुकेशन कैसे चलेंगे, कैसे कंटिन्यू होगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ एक पिक्चर एक बार इमेजिन कीजिए, एक फैमिली पिक्चर जिसमें हेड ऑफ द फैमिली उनका स्पाउस और उनका चिल्ड्रन है, उन लोगों का लाफिंग फेस एक पिक्चर है। और एक बार इमेजिन कीजिए इफ इन दैट पिक्चर मेन फैमिली मेंबर इज मिसिंग देन अदर फैमिली मेंबर का फेस क्या ऐसे ही पहले से ही लाफिंग रहेगा आगे पहले जो था। सोचिए प्लीज। प्लान योर प्रोटेक्शन विथ एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस, डोंट प्रोकास्टिनेट दिस फ्रेंड्स। और एक चीज डोंट प्रोकास्टिनेट वो है योर हेल्थ इंश्योरेंस। आज मेडिकल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आप आपका एडवाइजर से पूछिए आपको कितना टर्म इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायरमेंट है, कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रखने से आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्लान फॉर इमरजेंसी फंड। देखिए लाइफ का जर्नी में सब तो स्मूथ नहीं चलेगा ना, सब कुछ स्मूथ नहीं पहले भी चला फ्यूचर में भी नहीं चलेगा, तो बहुत सारे सिचुएशन आपके पास आएगा जो आपका एक्सपेक्टेशन में नहीं भी था, और उनको सॉल्व करने के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या, वो है मनी। तो वो मनी कहाँ से आएगा, इसके लिए एक इमरजेंसी फंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितना मनी इमरजेंसी फंड में रखना पड़ेगा, वो कहाँ पर रखना पड़ेगा, कौन सा फंड में वो रखना पड़ेगा, ये सब लेके हम बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उससे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तो जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास तुरंत चला जाएगा, आप लोगों को ये जानकारी डिटेल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू फुलफिल शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म फाइनेंशियल गोल्स। एवरी पर्सन का कुछ पर्पस है, इसीलिए तो पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी माइलस्टोन्स इन लाइफ, कुछ का रिक्वायरमेंट आएगा शॉर्ट टर्म पीरियड में, कुछ का मिड टर्म पीरियड में। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इट मे बी बाई ए फ्लैट, मे बी चाइल्ड एडुकेशन, मे बी चाइल्ड मैरिज, maybe to buy a new car, maybe foreign trip, maybe iPhone purchase,
maybe buying a luxury car, anything else. इसके लिए प्लानिंग पहले से ही नहीं होने से वो कैसे फुलफिल होगा, सोचिए तो. उसके लिए प्लानिंग का जरूर इम्पोर्टेंट है कि नहीं. कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपको हेल्प करेंगे. इससे आपको टाइम और मनी दोनों ही बच जाएगा और मेंटल पीस भी मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट प्लानिंग. आई थिंक ओनली रिटायरमेंट के लिए एक पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए. क्यों मैं इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, मैं वेरी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ. अभी देखिए, रिटायरमेंट कुछ कोई एज नहीं है, 56, 58, 60 कोई भी नहीं है. रिटायरमेंट मतलब जिस दिन आपका इनकम जीरो हो जाएगा वही टाइम, बट एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहेगा लाइफ का एंड तक. उस सिचुएशन को प्लीज विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा. उस सिचुएशन अपने कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फ्रेंड देखिए, आज जॉइंट फैमिली एबोलिश हो गया, उसके बदले क्या आया, न्यूक्लियर फैमिली. उसका इम्पैक्ट हमारे रिटायरमेंट में कितना आएगा ये आपका मालूम है. इन्फ्लेशन कैसे मनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है वो तो मैंने पहले ही दिखाया, 100 रुपीज़, 5 रुपीज़. हेल्थ एक्सपेंडिचर दिन के दिन इंक्रीमेंट हो रहा है और आज लाइफ स्पैन, मेडिकल साइंस का इम्प्रूवमेंट होने से लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो रहा है. बट इनकम अर्निंग करने के लिए टाइम जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है. आफ्टर 2004 देयर इज नो गारंटेड पेंशन इन इंडिया, ऑल आर गेटिंग सीटीसी पे. खुद का रिटायरमेंट खुद को बनाना पड़ेगा. बिजी लाइफस्टाइल में और मार्केट इकोनॉमी सिचुएशन में आप अगर सोचेंगे जो आपका नेक्स्ट जेनरेशन आपको देखेंगे, आप उनका ऊपर डिपेंडेंट हो गए, वो आप सोच सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कितना वो भी सोचिए. फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कैसे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग बनाएंगे, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, कितना अमाउंट रखने से आपको फ्यूचर लाइफ स्ट्रेस फ्री होगा, मैंने जल्दी एक वीडियो में डिटेल्स में रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताऊंगा. आप जस्ट एक काम कीजिए, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए. जब मैं वो जो रिटायरमेंट प्लानिंग का वीडियो उसको अपलोड करूँगा तो तुरंत आपका पास चला जाएगा. अगर किसी का और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर भी दूंगा. अगर आप चाहते हैं जे इस टाइप का जानकारी कोई किसी को मिलने से अच्छा होगा, हेल्प होगा, तो बहुत सारे आदमी को शेयर कीजिए. नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.